इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र में बीजेपी सांसद के बेटे को अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी है। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र की एक घटना है जहां बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को फायरिंग में एक गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आखिर यह हमला किसने किया है, ये एक अहम सवाल है। कौशल किशोर के बेटे का इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा, यहाँ पर बात की गई है तो सांसद जी की बेटी से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है, और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था, तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। आपने सांसद कौशल किशोर को भी सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि हमलावर कौन हो सकते हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रुचि, अभी तक क्या क्या जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, पुलिस का कहना है कि घर वालों ने कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन वो मामले की पूरी जांच कर रहे हैं कि आखिर गोली कैसे चली, अगर किसी ने चलाई तो वो कौन था, क्या मामला था। घर वाले जो कौशल किशोर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उनका जो बेटे की का साला है उसके साथ वो रात में टहलने घर के बाहर निकले थे और तभी किसी ने गोली चला दी है। उनका कहना है कि लड़का ये नहीं बता पा रहा है कि गोली कहाँ से आई और किसने चलाई, तो पूरे मामले की जांच हो रही है। लेकिन घर वाले कह रहे हैं, फिलहाल कौशल किशोर से बात हुई, उनका कहना है कि अभी हम पुलिस में कोई तहरीर नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि गोली चली है, लड़का भर्ती हुआ है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुचि, फिलहाल कौशल किशोर के बेटे की तबीयत कैसी है, अस्पताल में वो भर्ती है, फिलहाल उस पर क्या अपडेट? देखिए, कौशल किशोर का ये कहना है कि बेटा ठीक है और अस्पताल से घर आ गया है और वो बातचीत कर रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि गोली किसने चलाई। वो उसका कहना है कि उसने देखा नहीं कि गोली किस तरफ से आई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।